देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर खटीमा से है, सड़कों के निर्माण को लेकर विधायक ने की समीक्षा बैठक। आपको बताते चले, खटीमा के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में आज नानकमत्ता विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ सड़कों के निर्माण कार्यों के लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान विधायक राणा ने जहां सरकार की तरफ से 2017 से लेकर आज तक नानकमत्ता विधानसभा में सड़कों को लेकर जारी जीओ के संदर्भ में जानकारी ली, साथ ही सड़कों के निर्माण संबंधित रिपोर्ट भी अधिकारियों से जानी। वहीं विधायक नानकमत्ता डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, आज उन्होंने खटीमा में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के संग सड़कों के निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक की है। वहीं विधायक ने बताया कि अभी तक सरकार से नानकमत्ता विधानसभा में लगभग 50 करोड़ की सड़क निर्माण कार्य पास हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित किया है कि 2017 से आज तक नानकमत्ता विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए पास जीओ में सड़कों का निर्माण गुणवत्ता युक्त किया जाए। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। जितने भी जीओ हुए हैं उन पर तत्काल कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, और मेरा ये कहना है कि जो भी रोडें बन रही हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, गुणवत्ता के साथ काम, मानक के साथ काम हो। और नानकमत्ता विधानसभा को आज तक लगभग पीडब्ल्यूडी विभाग को 50 करोड़ के समथिंग रुपये मतलब धनराशि मुक्त हो चुकी है, और उसका निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मैंने